हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत हमारी परंपरा है शुरू करने की सुरभि मंत्र के साथ। तो मैं सुरभि मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करने की आप सबसे अनुमति चाहूंगा। ओम श्री सुरभ्यै नमः। सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थिभिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवितुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। ओम श्री सुरभ्यै नमः। जैसा आप सबको पता है, 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशी गायों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की। इसके प्रथम चेयरमैन के रूप में उन्होंने डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी का चयन किया। डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी पेशे से कैंसर सर्जन है, MBBS और MS कर किया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, हेवी इंडस्ट्रीज के और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। अभी जब 2019 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन हुआ, तो जैसे कोई भी संस्था जब शुरुआत में बनती है, कोई नया मंत्रालय बनता है, तो अक्सर उसकी स्ट्रीमलाइन होने में, कार्य को सुचारू रूप से शुरू होने में कुछ वक्त लगता है। शुरुआती समय होता है आपको सभी नीति निर्धारण करने का, बिल्डिंग्स और फिर लोगों के रिक्रूटमेंट और ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन हमारे चेयरमैन सर ने कहा कि जब तक सरकारी काम अपने वे में चलता है चलने दो, हम लोग शुरू से ही पहले दिन से ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने तुरंत मीटिंग स्टार्ट की देश के सभी साइंटिस्ट के साथ जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज से कनेक्टेड हैं, मिलना जुलना, और जो अन्य बड़े साधु संत या जो भी गाय से जुड़ी संस्थाएं थी। इसको साइंटिफिक वे में गाय से जुड़ी बातों को समाज में लाने के लिए और इसको इंडस्ट्रियल रिकॉग्निशन दिलाना हम लोग का विशेष तौर पर प्राथमिकताओं में था। जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते थे, लोकल स्तर पर हमें एक शिकायत सबसे सुनने को मिलती थी, वो थी स्ट्रे कैटल, सड़कों पर घूमती हुई बेसहारा गाय। सर ने कहा चलो जब तक बाकी मंत्रालय बाकी चीजें सेटल होती हैं, तब तक हम लोग इस काम को तो कर सकते हैं, जन जागृति जगाई जाए और कैसे ये गायें सड़क पे ना दिखाई दे। जब इसका रीजन खोजा गया गायें सड़क पे क्यों हैं, तो ये समझ में आया कि जो छोटे गौ पालक हैं, जो छोटे किसान हैं, जब तक गायें दूध देती हैं तब तक तो वो उनका अपना ध्यान रखते हैं। मतलब गाय का कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ डेयरी के लिए इस्तेमाल लंबे समय से करते आ रहे हैं, और जब ये गायें दूध देना बंद कर देती हैं तो फिर इन गायों के साथ दुर्गति होनी शुरू हो जाती थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि इन्हें फिर किसान सड़कों पर छोड़ने लग जाते थे, क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से बोझ लगती थी। फिर कभी कभी ये समझ में आता था कि ये लोग इन्हें इवन कत्लखाने भेज देते थे, या फिर ये पॉलिथिन सड़कों पे कूड़ा खाती हुई दिखती थी। मतलब कुल मिला के अच्छी परिस्थिति नहीं हुआ करती थी अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये थी कि गाय को सिर्फ डेयरी के आधार पर ना पाला जाए। गाय का गोबर, जिसे हम गोमय भी कहते हैं, और गोमूत्र, इससे भी अगर गो पालकों को, छोटे किसानों को अच्छी आमदनी मिलने लग जाए, इतनी आमदनी मिलने लग जाए कि फिर वो इनकी वजह से भी अच्छी इनकम कर पाए और अपने परिवार को पाल सके, तो वो फिर उन्हें सड़कों पे छोड़ने की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन गायें सिर्फ गोमय की बदौलत कैसे कमाने लग जाएं, लोग किसान उनसे कैसे आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पे सभी जनमानस से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाएं। इको फ्रेंडली हो तो फिर प्रदूषण भी कम होगा। तभी हमारे चेयरमैन सर ने कहा कि यही सही वक्त है। उन्होंने फिर गोमय गणेश नाम से कैंपेन चलाया, जहां पे गणेश जी की मूर्ति को गाय के गोबर से बनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। जब हम लोग सांचों के माध्यम से, और एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ट्रेनर्स इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह भी अरेंज करवाए, सारे भारत में लोगों को जोड़ना शुरू किया, और हमने ये पाया कि जब गाय के गोबर से बनी करीब आधे फुट की प्रतिमा, जिसमें करीब 1 kg के आसपास गोबर लगता था, वो 250 रुपए की बिकने लग गई। तो दूसरे शब्दों में कहीं ना कहीं से गोबर को अगर प्रॉपर वे में उपयोग किया जाए तो 250-300 रुपए की कीमत मिलने लग गई। तो इससे बहुत जल्दी हमने पाया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर जनता में या गौ पालकों में
एक उत्साह शुरू हुआ। और हम लोगों की जानकारी में, जो हम लोगों के संपर्क में हैं, ऐसे 1,10,000 मूर्तियां बनी और बिकी। इसके अलावा बहुत सारी और भी मूर्तियां बनी होंगी जिनका हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है। तो हमें ये समझ में आया कि कम समय के लिए चलाए गए इस अभियान में अगर इतनी सक्सेस मिल सकती है, तो फिर इस दीपावली पे हम लोगों ने संगठित होकर बड़े पैमाने पे ये काम करना शुरू किया, जिससे गाय के गोबर की भी कीमत मिलना शुरू हो सके गौ पालकों को। सर ने फिर नारा दिया कामधेनु दीपावली का। कामधेनु दीपावली यानी कि कामधेनु जो गाय का नाम है हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वो गाय जो समुद्र मंथन में निकली थी, तो कामधेनु के हर चीज सबके लिए बहुत ही काम आती है। तो जो गाय का गोबर है, गाय के गोबर से दिया बनाने की बात शुरू हुई, गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां बनाने की बात शुरू हुई। ऑडियो जंग सर ने हमारे लक्ष्य दिया 11 करोड़ बनाए जाए और उनकी मार्केटिंग की जाए, पब्लिक खुद से इनको खरीदने की इच्छा प्रकट करे, इसके लिए जागरूकता पैदा हो। 11 करोड़ एक बड़ी संख्या थी। हम लोगों ने सभी राज्यों में, जैसे आज आपके साथ मीटिंग ले रहे हैं, 1.5 महीने पहले से ये मीटिंग्स लेने का सिलसिला शुरू किया। सभी राज्यों में हम लोग जो भी अच्छे गाय से जुड़े लोग थे, जो साधु महात्मा हैं, जो अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय गो सेवा का जो विभाग है वो पूरे भारत में हमारे साथ आया, विश्व हिंदू परिषद से लोग जुड़े लोग साथ आए, साधु महात्मा संत साथ आए, और भी बहुत सारी संस्थाएं जो गाय के लिए बहुत पहले से काम कर रही थी, सभी साथ मिलते चले गए। और हम लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड करते गए कि हर राज्य में कैसे हम जिले में एक एक प्रतिनिधि खड़ा करते जाएं। आज भी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हम लोग आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में एक एक वॉलंटियर, एक एक प्रतिनिधि आपके माध्यम से खड़ा कर सकें, जिनका काम विशेष तौर पर ये होगा कि ये लोग सिर्फ अपने जिले में जितने गोपालक हैं या गौशालाएं हैं उनके नाम नंबर सूची बनाने की कोशिश करेंगे, और उन्हें हम थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि वो भी इस कामधेनु दीपावली अभियान में भाग लें, वो भी गोमय से बने दिए बनाएं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां बनाएं। और इसके लिए जितनी जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, जैसे ये सांचे कहाँ से मिलेंगे ऐसी जानकारी की जरूरत पड़े, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आप सबको ये सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा। हम आपको नाम और नंबर देंगे उन लोगों की जो अलग अलग आकार के सांचे बनाते हैं, हम आपको वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, फ्री ट्रेनिंग। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इस जिले में सभी गोपालकों को पहले साथ लाया जाए, इस अभियान से जोड़ा जाए। दूसरा काम प्रचार प्रसार का, वहां जितनी मीडिया है अपने जिले में, ये जिले के प्रतिनिधि किसी भी तरीके से सभी मीडिया वालों की एक सूची बना के रखें, जिसे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे या जिले के स्तर पे इस अभियान के तहत कोई मेजर चीज होती है तो उसकी प्रेस रिलीज बना के दे सकें और ये लोग उसे प्रिंट भी करें। तीसरी बात, जितने सेलिब्रिटीज हैं, जो जैसे बड़े साधु संत हो गए या कोई अभिनेता अभिनेत्री हो गए आपके क्षेत्र के, आपके जिले के, या क्रिकेट खिलाड़ी हो गए आपके जिले के, या और भी ऐसे पद्मश्री पद्मभूषण पुरस्कार विजेता जीते हुए सम्माननीय शख्सियतें जो आपके शहर में हो, हमें उन सबको साथ लेके चलना है, हमें उन सबको जोड़ना है, हमें उनके पास जाके ये गोमय से बने दिए और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां उन्हें गिफ्ट में देना है, और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि साहब आप अपील करें, आप बाकी लोगों से अपील करें कि इस बार चाइना के बने हुए झालरों का या लाइट्स का प्रयोग ना करें, इस बार आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियों का प्रयोग ना करें, बल्कि हमारे राज्य के लोग सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश की लोकल गौशालाओं में बन रहे ये दिए जो कि गोमय के हैं और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां इस दीपावली पे उनका ही प्रयोग करें। और बात सिर्फ दिए या मूर्तियों की ही नहीं, जब हमने नाम कामधेनु रखा है तो कामधेनु का मतलब जो गाय से जुड़ी संपूर्ण आयाम, मतलब अगर पूजा में मिठाइयां भी उपयोग होती हैं तो वो भी देशी गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयां हो, गाय के सभी स्वरूपों का इस दीपावली के माध्यम से हम लोग प्रयोग करना आरंभ करें। तो इस चेतना को जगाने के लिए, इस विचार से हम लोग संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में वेबिनार्स करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, इन राज्य जिले वाइज अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, और फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि सभी जगहों पर ट्रेनिंग के माध्यम से काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके, जिसे कल को जब हम लोग ये मार्केटिंग में लगते हैं, सभी सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं आप लोगों के माध्यम से, और रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, तो हम बता सकते हैं अच्छा अगर इस जिले से आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो आपके यहाँ ये सज्जन है जो आपको इसमें हेल्प करेंगे कि कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है या और कोई जानकारी चाहिए हो तो। तो अब हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, और अभी मैं सीधा चलना चाहूंगा हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय गतिविधि के सह संयोजक आदरणीय श्री अजीत प्रसाद महापात्र जी जुड़े हुए हैं। सर आप हम लोग का मार्गदर्शन करें, हमें कैसे आगे बढ़ने आगे।
सभी गो भक्तों हृदय से प्रणाम करता हूं। जय गो माता, वंदे गो मातरम। मैं ऐसी जगह हूं, थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है, अगर किसी कारण थोड़ा सा कट गया तो मेरे को हाथ से अगर इशारा दे दिया जाए तो दोबारा मैं शुरू करूंगा। हम सब लोगों ने जैसे सवेरे जगते हैं तो उस समय एक मंत्र पाठ करते हैं, सभी को मालूम है, करागे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कोई करमूले तू गौरी भी कहते हैं, तीनों माता का नाम लेते हैं, गोविंद भी नाम लेते हैं। इसके बाद में धरती को प्रणाम करते हैं, रत्नाकर धूत पदम, हिमालय किरीटिनम, ब्रह्म राजश्री रत्नाणम, वंदे भारत मातर। ऐसे सभी लोगों ने भारत मां को प्रणाम भी करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग स्नान व्यान करके अपने घर में अपने तुलसी के, जो घर में वृंदावती की व्यवस्था रहता है वहां पर, दूसरा अपने मंदिर जो छोटा सा बनाते हैं वहां दिया जलाते हैं। वास्तव में ये सारे दिया जो हैं, दीपक जो हैं, ये प्रज्वलित होती थी पहले गोमाता की घी से। ये जो गाय का घी है वो जर्सी गोमाता नहीं है, जैसे दिखती है पशुतुल्य है, जर्सी बोलिए, एचएफ बोलिए, इस प्रकार के जो प्राणी है ये वास्तव में एनिमल है। और कभी कभी हमारे एनिमल हस्बेंड्री जो है इतनी बड़ी बनाया है, वो हमारी भारत की गोमाता को भूल करके वो एनिमल के अंदर रह जाते हैं, कुत्ते के अंदर रह जाता है। ऐसे प्राणी मात्र के देवांश है सबके शरीर में, से प्रेम करना चाहिए। बल्ले भाई यहाँ पर है, कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पहला व्यक्ति जो कि पहला चेयर के पर्सन है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए चेयर नहीं है, रूम नहीं है, दो पैसे नहीं है, ये फकीर आदमी हमारे से ज्यादा बन गया। हम प्रचारक तो हम फकीर ही हैं, लेकिन ये भी एक नया गृहस्थ फकीर मिलेंगे मेरे को रास्ता में, ये मेरे को पता नहीं था। बल्ले भाई आपका चेहरा थोड़ी सी कम दिख रही है, थोड़ा कृपया थोड़ा मोबाइल को ऐसा करिए कि मैं आपको पूरा देख सकता हूँ, आपका हंसी हमारे लिए ऊर्जा होती है। तो वैसे बल्लभ भाई बचपन से स्वयं सेवक है, संघ के विचार के अंदर है और अतीत में अच्छा लग रहे, तो हमारा प्रणाम के अधिकारी भी है। तो हम जब दिया जला घी देते हैं, इसका महत्व सबको मालूम है। वो घी जो है इसमें 1 ग्राम घी आप यज्ञ में, हवन में या दीपक में अगर इसमें देते हैं और उस होता है, हम सबको मालूम है, साइंस आज प्रमाणित करके कहा है कि घी का 1 ग्राम घी में अगर प्रज्वलित करते हैं तो 100 किलोग्राम ऑक्सीजन, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, प्राण शक्ति की हमको प्रदान होती है वायुमंडल से। गोमाता का 1 ग्राम घी का ये ताकत है जो कि ऑक्सीजन हमको 100 किलोग्राम प्रदान करती है। इसलिए छोटा सा अग्निहोत्र का सवेरे शाम को करना कुल मिलाकर के 10-12 मिनट का रहता है, जो हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, बड़ा आकार में करेंगे, जिसके समय है, सामर्थ्य है, वो करते रहते हैं। तो उस कारण से पर्यावरण की संपूर्ण सुरक्षा, धरती की संपूर्ण सुरक्षा, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा, जितने भी प्राणी उसे आजू बाजू में, जो कीट पतंग पशु पक्षी है, सबके लिए ऑक्सीजन मिलता। और हम अच्छी तरफ से जानते हैं कि जितने पेड़ पौधे हैं ये दिन भर में हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्राणवायु को प्रदान करते हैं, और शाम को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन तीन पौधा ऐसे दिखने को मिलता है, एक पौधा के नाम पर तुलसी माँ है, दूसरा है बट वृक्ष है, तीसरा है हमारा पीपल की वृक्ष है, अश्वस्थ जिसको कहते हैं। तो वो 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन देते रहते हैं। लेकिन ये हर घर में तुलसी तो है, लेकिन तुलसी जिंदा है कि मर गई, कितनी बड़ी है, क्या है, तो हम लोगों की तुलसी की परिक्रमा करते थे तो भूल ही गए। एक दीपक रखते थे तुलसी के नीचे और हम 21 परिक्रमा करते थे, धीरे धीरे उसमें से नीचे आते आते 7 में आ गए। वहां
आते अभी बोलते हैं कि 3 करो, और आज के जो हमारे नौजवान है एक बार कर लिया तो बहुत बड़ी काम हो गया ऐसे सोचता है, लेकिन 21 बार का परिक्रमा ये स्वाभाविक हमको ऑक्सीजन मिलता है दिन भर के लिए, जो हमको आवश्यक है, डेफिसिट होता है जो हम खर्चा करते हैं हम मिलनी चाहिए। तो ये दिया जो जलाते हैं, दिया जलाने के कारण पेड़ पौधे भी जो हमको कुछ छोटा मोटा क्षति पहुंचाते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वो उसमें कंट्रोल होता है। दीपावली के नाम पर अभी इस समय नवरात्र गया, उस समय हर दिन हम लोगों ने दिया जलाते हैं, कितनी बड़ी प्रोटेक्शन हम अपने आप को करते हैं और प्रकृति को शुद्ध करते हैं। रात को भी इस दिया ने जब अखंड जलती है तो रात भर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी किसी प्राणी से भी जो आता है वो उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, हमारे जो गैया मैया है वो 86% कार्बन ऑक्सीजन हमको प्रदान करती है, ओनली एंड ओनली 14% लेते हैं, हम सब जानते हैं इस विषय को। इसलिए गाय हमारे घर के सामने, घर के बाहर, घर के अंदर बंदी रहती थी। घर के अंदर कौन था? छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले हैं उनको घर के अंदर रखते थे, सवेरे छोड़ते थे, माँ के पास जाके दूध पी लेती पीती थी, और हमारे हमको भी दूध निकालने में सुविधा होते थे। घर के आगे में हम जो रखते थे वो नंदी को रखते थे, उनकी पूजन करना, उसको प्रणाम करना, अंदर जाना, और घर के पीछे हम पूरा गौशाला करते, छोटी बड़ी जिसको जैसा ताकत है, चारों तरफ से सुरक्षित, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी अंदर आना साहस नहीं करता था, कोई भूत प्रेत पिशाच डाके नहीं, साके नहीं, कोई नहीं आता था। देवताओं की विचरण होती थी, राक्षस बाहर रहता था, रात्रि में जो घूमता था, ये घुमाता की ताकत है। इस ताकत को समझना चाहिए, उस दूध दही घी को, ताकत को समझना चाहिए। ये करोड़ों की संख्या में नहीं, पता नहीं कितनी संख्या में, मैं तो हिसाब नहीं कर सकता। दीपावली के महोत्सव में सारा देश में जलते हैं, ऐसे ही हर दिन दीप प्रज्वलित होता था। तो वो धीरे धीरे कम होते होते तेल में आ गया, जो तेल के हमको नहीं देता है, संभव ही नहीं, सबके पास में गाय ही नहीं रही तो अब कहाँ से घी मिलेगा। तो जहां गाय है वहां मैं प्रार्थना करता हूँ, और अपने वल्लभ भाई जी ने, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने, अपना जो गोरक्षा की गो संवर्धन के आयोग वो भी है, एकल विद्यालय है, विश्वंदु परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि है, वनवासी कल्याण आश्रम है, सहकार भारती है, किसान संघ है, ये सब लोगों ने भी ये लगे हुए हैं कि देश को, धर्म को बचाना, गाय को बचाना, भूमि को बचाना। कोरोना ने भी कहा जिसके पास में इम्यूनिटी पावर शक्ति है तो मैं नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं तो, वो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड से, जर्सी के दूध से नहीं हो सकता, ये सर्वविदित है। आज अमेरिका ने कह रहा है, जापान ने कह रहा है, रशिया ने कह रहा है, हार्ट पेशेंट भी हर दिन 25 ग्राम घी सवेरे शाम को लेनी चाहिए, ये आवश्यक है। सौभाग्य से हमारे वल्लभ भाई ये कैंसर के एक अच्छे सर्जन है, तो इसकी एक साइंटिफिकली प्रूफ, मेडिकली प्रूफ आपके सबके सामने दे सकते हैं, समय कम इसलिए वो दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप बैठ के उनके साथ में चर्चा करिए, ये हमको अच्छी तरह लगा। दूसरा विषय आनंद की विषय है, कई सालों से वल्लभ भाई ने अच्छी सुंदर सी गौशाला बनाया है, कई प्रकार का उसमें पदार्थ बनाया है, कई प्रकार का उत्पाद बना है, वो दिखाते रहते हैं, यहाँ भी शायद संभव होगा तो दिखाएंगे भी। तो हम एक गाय को आधार करके करोड़पति बन सकते हैं, इसलिए गाय बनाए करोड़पति, गौशाला बनाए अरब खरबपति, ये नारा है, इसको साकार करनी है। आज इतने वायरस आया है, इस वायरस को काउंटर कर केवल कर सकते हैं हमारा शारीरिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां, हमारे आचरण, ये तीनों चीज गाय के साथ में जुड़ी हुई है। तो ये दीपक का प्रज्वलित करना, गोमय दीपक, कामधेनु दीपक, कामधेनु दीपावली, संतों ने बताया कि गोमय दीपावली महोत्सव, संघ के गतिविधि कार्यकर्ताओं ने बताया गोमय दीपावली महायज्ञ, ये केवल महोत्सव नहीं है, ये केवल एक दीपावली नहीं है, महायज्ञ है। कारण इस कारण से कोरोना जैसे वायरस को हम धरती से भगा सकते हैं, भारत से तो दीपावली के बाद में नहीं रहेगी कोरोना, मैं तो गारंटी देता हूं। तो जिस एरिया में गोमय दीपक नहीं जलाया वहां पर पक्का रहेगा, क्योंकि तेल में जलेगी, गोमय में नहीं जलेगी,
ये मैं एक लिख के दे सकता हूँ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ, मेरी लड़ाई तो साइंटिस्ट के साथ होता रहता है, वल्लभ भाई के साथ में करने में मेरे को बिल्कुल संकोच भी नहीं है। तो इसके लिए भी पुरुष जी बहुत परिश्रम करते हैं, जहां जहां सूचना मिली तो वहां विदित रहते हैं, सबको बताते रहते हैं। एक अच्छी टीम बनी है, जो अभी कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, हम आज फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, कोरोना ने एक सहयोग किया है कि इस वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हजार नहीं लाखों की संख्या में आज हम लोग मिल ही गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि वल्लभ भाई के इस समय जितने प्रकार के कॉन्फ्रेंस हो गए, मैं सोच रहा हूँ वल्लभ भाई, मैं जो आइडिया कर रहा हूँ, तो 5-6 करोड़ के लोगों को तो आप मिल ही गए, देश के बाहर के अगर इसको भी मिल लिया आपने, देश के बाहर के बाकी लोगों को मिल लिया आपने। ये एक महा आंदोलन है, जनजागरण की जो कार्यक्रम है, ये छोटा सा पौधा अभी धीरे धीरे बीज से बाहर निकल कर पौधा बन रहा है, और इस दीपावली ने उसको वट वृक्ष बनाने के लिए संकल्प लिया है। इस धरती को सुरक्षा देना, इस धरती माता को डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड से, जर्सी के दूध से मुक्त करना, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य कि भारत की जो शारीरिक शक्ति है, मानसिक बल है, जो वैचारिक शक्ति है, वो जो सिद्धता है, इसी चार महाशक्ति के साथ में उसको जो व्यवहारिक सामाजिक समरसता युक्त इस प्रकार का बनाने की जो परिकल्पना है, ये मत पंथ निर्विशेष से राजनीतिक से बहुत ऊर्ध्व में उठ करके दिया, कोई राजनीति का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, गाय किसका व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, गाय किसी साधु संत किसी एनजीओ किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये केवल भारत का संपत्ति नहीं है, ये विश्व माता की संपत्ति है, खुद ही विश्व माता है, खुद ही जगत जननी है। इस भाव से, इस प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं। और पुलिस जिसने बता रहे थे कि 11 करोड़ ये दीपक से आगे बढ़ करके 11 करोड़ परिवार तक हम पहुंचे, एक विषय बताए हर क्षेत्र में, बनवासी तक, झुपड़ी तक, वहां तक हम पहुंचे। अगर दिया जलाता है कोई परिवार के, तो एक थोड़ी जलाता है, कई दिया जलाते हैं, घर में, घर के बाहर में, घर के आंगन में, घर के मंदिर में, खुद जाकर अपने मंदिर में, गांव में, कहीं ना कहीं ये प्रज्वलित करते हैं, ये दिया जलाते हैं। तो अगर 3 दिया जलाते हैं, कम से कम एक परिवार में एक पति एक पत्नी या एक पिता एक माता एक बच्चा रहता है, तो 3 अगर करते हैं तो 33 करोड़ आराम से होती है, और माँ के शरीर में 33 करोड़ देवता विद्यमान रहते हैं। एक बार हर देवता के नाम पर एक दिया और एक गोमाता के नाम पर, जो 33 करोड़ एक ऐसा दिया अगर प्रज्वलित करते हैं, भारत के अंदर में जो ऊर्जा जो शक्ति जो पवित्रता जो एक भारत के, जैसे मनुष्य के अंदर में इलेक्ट्रिकल बॉडी कहते हैं, फिजिकल बॉडी को ट्रीटमेंट करते इलेक्ट्रिकल बॉडी भूल जाते हैं, जिसको ओरा कहते हैं, ऐसे हर चीज ओरा रहता है। तो भारत की जो भूखंड की जो ओरा है, जो आज किसी कारण से क्रैक हो गया है, टॉक्सिन्स आ गया है, उसके ऊपर जंक आ गया है, मेरा प्रचंड विश्वास आत्मा, मतलब मेरा आत्मविश्वास कहता है, अंतरात्मा से जो आवाज आती है, इस दीपावली ये बिल्कुल इस सारा टॉक्सिन को दूर करके एक मजबूत ओरा बनाएगा, जिस कारण से विश्व माता की सेवा हो जाएगी, भारत की केवल नहीं है, विश्व माता की, प्रकृति की सेवा हो जाएगी। ये प्रकृति के संरक्षक यह हमारी गैया मैया है, जिसको भारत की गाय कहते हैं, इसीलिए अमेरिका कहते हैं भैया हमको 1 लाख गिर गाय साइबल दो, जिन्होंने मरवाने के लिए व्यवस्था बनाए लंबे समय तक ब्रिटिश लोगों ने, और हम इंडिपेंडेंस के बाद में 500 करोड़ तक गाय हमने कटवा दिया लोगों के सामने, जो बालक है किसान भूल गया आज आत्महत्या करता है। भारत में ना एक व्यक्ति आत्महत्या करेगा, ना भारत की शारीरिक शक्ति जो माता भगिनी से लेकर के छोटे बच्चे तक ठीक रहेगी, और धरती ठीक रहेगी, बंजर नहीं बनेगी, और भारत में खुशहाली केवल नहीं रहेगी, प्रकृति के संरक्षण हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक प्रचंड कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, सबसे बड़ा इसको हम कह सकते हैं, ये जो कार्य है ये हमको मोक्ष प्रदान ही कार्य है, ऐसे कार्य में हम सब लोगों ने हाथ दिया है, इसके नींव का पत्थर हम दीपावली में रख रहे हैं। ऐसे दीयू का नींव का जो खुदाई होती है ना, उसके बाद में पत्थर पत्थर रखते हैं, मिट्टी उसमें बालू डालते हैं, उसके ऊपर फ्रेमिंग्स करते हैं, रडाइंडिंग्स करते हैं,
तो इसकी जो पहली खुदाई ये हमारे गोमय जो गणेश जी की हो गया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया इको फ्रेंडली गणेश बनाइए, सबसे बड़ा उड़ीस जी कहते हैं, वल्लभ भाई कहते हैं, ये सबसे बड़ा अगर कोई है तो गोमय गणेश जी है। और इस दीपावली में नहीं, हर दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी माता को साल भर के लिए बैठाते हैं, उसके बाद में परिवर्तन करते हैं, नया बैठाते हैं, उनको विसर्जन करते हैं। वो भी कोई इधर उधर फेंकता नहीं है, कोई पेड़ के पाख में, कोई पौधे में, कोई किस में रखता है, वो धीरे धीरे वो खाद बन जाती है उस पौधे के लिए, पेड़ के लिए। लेकिन जो गणेश और लक्ष्मी रहते हैं ये हमारे घर की जो एंटी रेडिएशन का काम करता है, रेडिएशन को खत्म करता है, उसको अब्जर्व कर लेते हैं, 80% तक घर का कर लेते हैं। तो इस प्रकार का शक्ति माँ के पास में है, हम उसको समझें। हम दुनिया अपने भारतवर्ष के लोगों का माइंड सेटअप को चेंज करें, वी हैव टू चेंज द माइंड सेटअप। इसके लिए जनजागरण का कार्यक्रम है। सौभाग्य से इस वेबिनार में आप सब लोगों ने मेरे को बुलाया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं फिर से कहता हूं, पूज्य साधु संत महात्माओं ने आवाज दिया है, आह्वान दिया है कि गोमय दीपावली महोत्सव बनाइए। महोत्सव महोत्सव मतलब कितना बड़ा मेला के रूप में ऐसे बनाओ, अकेला नहीं, सब गांव वाला जुड़ जाओ, बस्ती वाले जुड़ जाओ, बनवासी क्षेत्र से लेकर शहरवासी तक, ग्रामवासी तक मिलके भारतवासी जुड़ जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसकी गतिविधि, बाकी सारे कार्यकर्ता जो अपने मातृ संगठन है, सब लोगों ने मिला करके उन्होंने बताया कि गोमय दीपावली महायज्ञ बनाइए, इसको महायज्ञ के नाम पर करिए, जिसमें से कि करोड़ करोड़ों ने विश्व कल्याण के रास्ते में चले। कामधेनु के माँ के आधार पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना है, तो उन्होंने आह्वान किया है गोमय कामधेनु दीपावली बनाए, हर कोने में कामधेनु गोमाता 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 दिखाई देगा। तो ये राष्ट्र माता गोमाता नहीं, विश्व माता है, जगत जननी है, हम सब उसके पुत्र हैं। तो हम इतने पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम सब एक ही माँ के संतान हैं, उसी माँ का दूध पी करके हम बड़े हैं, उस दूध की लाज रखनी पड़ेगी। जन्मदात्री माँ की जैसे लाज हम रखना है, ऐसे ही गोमाता की दूध की लाज है। तो तब जाके जर्सी भागेगी, तब जाके यूरिया डी पेस्टिसाइड से जाएंगे, तब जाके गोमय से उत्पादित या गोबर से उत्पाद जितने हुए उसके कारण देश के आर्थिक परिवर्तन, स्वास्थ्य की परिवर्तन, रोग मुक्त भारत, अन्न युक्त भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत, एक समर्थ परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए हम समर्थ हो गए। जय भारत माता, जय गो माता, वंदे गो मातरम। सभी को सादर वंदन, आप सभी का चरण वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातों से हमेशा हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने अपनी घर की विषम परिस्थितियों के बावजूद समय निकाला, और आज के लिए आप विशेष तौर पर मैं आपको अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी के पास। पुरुष जी मुझे सर, लगता है पहले आप बात कर लो, सबकी सबका सुन लेते हैं, बाद में मैं होगा अच्छा अच्छा सर, मुझे सूचना मिली थी कि आपको से जाना है। इंटरेक्शन कर लेते जी हैं, सब लोगों से जी बात करते किसी आगे बढ़ना है वो बताओ आप, ठीक है पूरे आंध्र और आंध्र और तेलंगाना दोनों मिक्स हो जाएंगे इसीलिए कोई चिंता नहीं है, तो आइए जैसा बात करिए। कि हमने स्टार्टिंग में बातें की। वल्लभ भाई मैं थोड़ा अनुमति चाहूंगा, फ्लाइट की टाइम हो रही है, मैं काशी जरूर जरूर पहुंचूंगा, फिर आपके होगा तो जी निकलना पड़ेगा मेरे को, इसलिए आप हाँ अनुमति, पुलिस जरूर की अनुमति, जी सभी के जरूर चरणों में जय वंदन करते हूँ और मेरे को थोड़ा अनुमति गो मांगते हूँ, क्षमा करेंगे, प्रणाम। जी जय गो माता जय गो माता। चलिए तो कार्यक्रम को पुलिस आगे आगे बढ़ो बढ़ाते हैं, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोगों को आज की इस मीटिंग में कुछ ऐसा सुनिश्चित करना है कि हमें हमारे आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में एक एक प्रतिनिधि आपके माध्यम से, आपके मित्रों के माध्यम से हमें मिले। जैसे मैं एक एक्सेल शीट बनाऊं जहां पे आंध्र के सभी जिलों के एक एक लोग हों और आपके माध्यम से एक बंदे का चयन करूं। पुरुष जी सर जी, बताएं। मेरा सजेशन ये है कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों स्टेट्स के लिए है। सो व्हेन यू आर रेफरिंग आंध्र प्रदेश, आप तेलंगाना पे रिफर करें। सो तेलंगाना जिला और आंध्र प्रदेश, प्लीज गो अहेड। थैंक यू, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली
शेखर जी, सर पहले हमारी गलती ये हो गई कि हमने तेलंगाना का अकेला कर लिया वेबिनार, और आंध्र बाकी रह गया था, इसीलिए एक्चुअली बाद में तेलंगाना आंध्र को दोनों को एक ही करना चाहिए था। हाँ, ये क्या करना चाहिए, हैदराबाद इस हैदराबाद, लेकिन उस समय हमारी गलती रह गई। लेकिन आज हम इसलिए आंध्र एक ही, इट इज दी ओनली स्टेट कि भाई अभी बाकी रह गया था। पूरे देश के सभी 28 स्टेट हो गई, हमारे सभी ये यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, केवल आंध्र बाकी रह गया था। आज इसलिए सोचा कि कम से कम जितने भी संख्या हो मिनिमम, बट इवन इफ वी विल गो फॉर दी कंप्लीशन ऑफ द ऑल द स्टेट्स, इसलिए आज आंध्र तेलंगाना दोनों हो गए कि नहीं हो गए तो भी चिंता नहीं है, लेकिन आज का बेसिकली सेमिनार आंध्र के लिए रखा जाए। ओके थैंक यू। ओके ओके सर, जैसा कि सर ने बताया, अभी करीब पिछले 1.5 मंथ से, 1.5 मंथ से हम लोग अलग अलग राज्यों की वेबिनार कर रहे हैं, और ये एक एक करके सभी राज्यों, सभी यूनियन टेरिटरीज की वेबिनार हमारी हो चुकी है। आंध्रा में हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी टीम डिसाइड कर ली है, वो आंध्रा का, सॉरी तेलंगाना का, तो कम से कम मेरे ख्याल से 1 मंथ बैक इसका हमारी मीटिंग हो गई थी, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी हो गई, और काफ़ी अच्छे से प्रचार प्रसार वहाँ पे काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बहुत सारे लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ बनाने स्टार्ट कर चुके हैं। अभी जो हमने ग्रुप बनाया उसमें आपने देखा होगा कि कुछ तेलंगाना के लोग भी हैं, शामिल हैं, वो बेसिकली वो लोग हैं जो जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो हमें ऐसा लगा कि अगर आज की वेबिनार में हम लोगों को आंध्र से ही लोकल ट्रेनर मिल जाते हैं जो ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं तो अपना सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो तेलंगाना से जो ट्रेनर हैं, बाकी लोग हैं, वो हम लोगों की मदद करेंगे, जैसे आंध्र में किसी को भी काम को सुचारू रूप से चलवाने में मदद मिले। अगर किसी के सवाल आते हैं कि मोल्ड्स कहाँ से मिलेंगे, सांचे या ऐसी कोई भी लोकल जानकारी, तो चूंकि तेलंगाना में ये काम पहले से चल रहा है तो वहाँ के ये कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनको हमने इस ग्रुप में ऐड किया हुआ है, वो हमारी मदद करेंगे और लोकल लेवल पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेंगे। वैसे ये मीटिंग बेसिकली आंध्र आंध्र की रही है, क्योंकि हम आंध्र प्रदेश की मीटिंग रह गई थी, एक एक करके सभी राज्यों की हो गई, बिल्कुल लास्ट में हम यहाँ पहुँचे। आज ये आखिरी मीटिंग है, इनफैक्ट इसके साथ ही भारत के सारे राज्य और सारे यूनियन टेरिटरीज कामधेनु दीपावली अभियान के तहत कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग को ये करना है कि जैसे आज अभी सिर्फ हम मुझे 22-23 लोग देख रहे हैं, तो कुछ जिले के हो सकता है प्रतिनिधि यहाँ पर ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, आप लोग जिनको बताएंगे, हम उन्हें जरूर वहां पे अपनी एक्सेल शीट में ऐड करेंगे, उनके नाम और नंबर, उनसे पर्सनली बातें करके उन्हें समझाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों के माध्यम से ये चाहेंगे कि जितनी भी लोकल अच्छी एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं जो गाय से जुड़ा अच्छा काम कर रही हों, या ऐसे जो काउ एंटरप्रेन्योर्स हैं, गौ उद्यमी हम उन्हें कह रहे हैं, जो भी गाय के गोबर से अच्छी चीजें बना रहे हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें उन सबको साथ जोड़ना है, हमें सबके आइडिया से एक दूसरे को लाभान्वित करना है, और हमको ये तो इंश्योर करना ही है कि आंध्र प्रदेश में भी करोड़ों की मात्रा में गोमय दीपक बने और इस दीपावली जले। जितनी भी गौशालाएं हैं उनको हमें इस बार मोटिवेट करना है कि अब वो सिर्फ डेयरी के आधार पर अपना बिजनेस ना चलाएं, वो गाय के गोबर से भी अपनी इनकम स्टार्ट करें। इसके लिए उन्हें जो भी मदद की जरूरत हो, किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत हो, किसी भी नॉलेज इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, हम आंध्र के लोगों से ही बात करते हैं। हम आंध्र में ही समझते हैं कि एग्जैक्टली वहां के लोग अपनी ओर से, जो कि काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इस कामधेनु दीपावली अभियान में कैसे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ गौ वनम ट्रस्ट से आदरणीय श्री युव राजू जी जुड़े हुए हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा, मिस्टर युव राजू, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ एग्जैक्टली वी शुड बी गोइंग अहेड इन आंध्र प्रदेश एंड व्हाट इज लोकल कंडीशन देयर, हाउ टू अचीव सक्सेस। मिस्टर युव राजू जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार। Some Govanam I speak in English. Okay. Yeah, that's perfectly fine. Carry on. Yeah. So from 2018, we are doing our level best in promoting cow based and the bull. Most of the cows have the work, but only bull
bulls are suffering. So that's why we are making a bull-driven gunnies to extract oils. So we are promoting mine and bull-driven machineries. So we are parallelly working on different kind of machineries. So oils also can make floors and many like grass cutter. Many things we can use bull power, and so that we can utilize the bull bulls from protecting from slaughter process. So parallelly we are doing training programs how to make different products, and already we are doing many products from like tooth powder, soaps, shampoos like that. There are more than 100 products like eye drops, ear drops, nasal drops. So with the panchagavya products we are making, and every month at least one program we are conducting different states of different places in Andhra Pradesh to educate the different Goshala people and the farmers about the natural farming one program, and the panchagavya products making one program, at least two in a month from our government trucks. And also parallelly we are conducting the panchagavya products, panchagavya medical camps. So where we are with the help of Suresh Swami, who is from Hyderabad, Lingampalli. So he's an expert in panchagavya, the chikitsa means panchagavya doctor he is. So with the help of him, we are conducting many programs and the camps. So we freely we are treating under government trust during this period to show the importance of how the only with the Gomata panchagavyas, how we can cure our diseases, any disease, like if you have knee pain, joint pain, or heart, any problems, thyroid, anything you can, with the use of panchagavya, you can cure. And there are no side effects. So many people are very happy. With the, even cancer, many people are very happy with the treatment, with the panchagavya Gomata. So these things from our bandwidth. So whatever the bandwidth we have, that so we are doing all that. And now also we have program in Hyderabad. 3 days giving weakness. Ji, what I would like to tell you, how will you be able to contribute immediately for this purpose? Now we are at present, we are discussing Kamdhenu Dipavali. So we want to promote Kamdhenu Deepak and other items from the cow dung, which is our at present our it's our aim to propagate the ultimate use of cow dung. Afterwards, after Diwali, we will go for the breed improvement and so many other aspects, dimension of the cow related activity. Let us focus on how we can contribute to for manufacturing cow my products and go my products, especially Deepak and others also, no problem. And how to connect Gausalas, other Gausalas also, how to connect the manufacturers, maybe the women entrepreneurs, women self-help group, and then how to market it. See, there are very big cities like Hyderabad and Visakhapatnam and so many, where we can market this Go My product all over the Andhra Pradesh and Telangana. So let us focus now, and I request you, how your trust will be able to contribute in your area, maybe in nearby area, in your district or somewhere. Yeah. Other Gosala also should come forward like your Gosala or your trust, so that we can send our message throughout the Andhra and Telangana. Okay? Yes. Tell me. Yes, we are classes also we are conducting how to make this code, the coding articles like Shubla, Om, Sri, some articles. So also we are making available of the molds. So the Nagpur, Jitendra ji, so we are taking in bulk and we are distributing here. So the courier charges are not taking any courier for something like that. Whatever the possibility that we are doing based on connecting all the Goshalas, and we are making awareness. So every day we have around more than 20. Yes. That's good. Yes, you are providing more. You can give them pre-mix material also, or you can guide them for regarding the training also. Yes, we yes, expect sir.
very nice. We expect from you such type of thing, but immediately, because days are going very fast and Diwali is coming very nearby. So we will have to work very hard and with perfect planning. Okay? Very nice. Yes, Puresh, go ahead. So, Mr. Yuvaraju, you are saying that production has already started for cow dung Deepam at your place? Yeah, no, we are doing from last 2 years, cow dung Dias and all. Great, great, great. So, already we are sending even to Singapore Telugu Association. So, great. We are Bangalore, supporting in Bangalore. Okay, so let's... Purushji, Purushji, Amita, here. Tell me. Govaram Trust ke jo Suresh ji hain, wo काफी घनिष्ठ मित्रों में से हैं और इनको मैं जानता हूँ. पिछले 2 वीक से ये अलग अलग तरह के ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि गाय गौ में दिए कैसे बनाए जाए. ग्रेट. और चिकित्सा के फील्ड में भी इनका काफी अच्छा हाथ रहा है. ये जरूर बताया अभी हमने और इन्होंने मिलके यहाँ पे लोकल जो गौ सेवा आयोग है जिसमें रामाराव जी का ब्लेसिंग्स रहता है उसमें हम लोगों ने साथ मिलके काफी काम किया और ये लोग गौ में दिए काफी टाइम से बना रहे हैं और सुरेश जी खुद जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गोवनम ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है. ग्रेट. सो हम लोगों ने एक वी ऑलरेडी मेड अ वेबसाइट जस्ट फॉर दिस कामधेनु दीपावली कैंपेन. And this website is known as www.kamdhenu.blog. I have just written this into chat section also. So in this kamdhenu.blog website, we are mentioning name of all the trainers, mold makers, and even manufacturers of Gome Diyas. So I'm sure I should be able to post details of Govanam Trust here now, so that the local people who are looking for, this Deepam through our website, even they should be aware whom to contact for it. And yes, now moving ahead, Mr. Reddy ji, Mr. Gopal Mori is also there. Mind? Yes, Mr. Mor Gopal ji is also here. Purish ji, usse pehle main 2 minute baat kar sakti hu. Suresh, okay, go ahead. Ji, Suresh Kalam, ji. Vallabh ji, Purish ji, I'm sure you'll be happy to learn that Andhra or Telangana ke jo remotest parts of Goshala or farmers hain, unka ek samuh maine already banaya hai, usme Purish ji bhi hain. What I'm surprised is, neither Yuvaraju nor Amitabh ji or Purish ji, teenon mein se koi bhi uska ulekhan bhi nahi kar rahe hain yahan pe. And moreover, aaj ye Andhra ka meeting hai, mujhe bataya bhi nahi gaya tha aur हमारे आंध्रा के गौशाला और किसान भी यहाँ पे जुड़ सकते थे क्योंकि आज लास्ट मीटिंग है. तो अच्छा होता है पहले इसका इंटरव्यू. ये लास्ट नहीं, ये फर्स्ट है, इसलिए काफी काफी गलती हो सकती है. वी आर नाउ गोइंग अहेड विद दिस फर्स्ट मीटिंग एंड वी विल कंटिन्यू टू जॉइन द पीपल अप टू द लास्ट. तो उनको जो है वो 200 प्लस जस्ट अ मिनट. ये पहली बेसिकली ये पहली मीटिंग है और ये स्टेट लेवल की पहली मीटिंग है. बाद में दिस टीम विल हैव टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अप टू द लास्ट. आवर वर्क. नो, आई डोंट डिसएग्री. मगर अच्छा होता अगर आज वो लोग भी होते, उनको भी अच्छा लगता. और अगर ये मीटिंग अगर तेलुगु में, थोड़ा तेलुगु में भी चलता तो वो भी अच्छा रहता उनके साथ. हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम है और भी, तेलुगु समझ भी नहीं पाएंगे इसीलिए हिंदी और इंग्लिश चलाना पड़ता है. बट मतलब वो हिंदी और इंग्लिश समझते हैं. बिलीव मी, इट्स अ स्टेट लेवल मीटिंग, इट नॉट द होल स्टेट. इट इज अ स्टेट लेवल सिलेक्टेड पीपल्स मीटिंग टू प्रोपगेट आवर आईडिया और ऑन टू द लास्ट. नाउ इट विल बी योर ड्यूटी. सी एट प्रेजेंट देयर आर 17 पीपल और 20 पीपल इन योर मीटिंग एंड इट इज नाउ आवर ड्यूटी टू हाउ टू गो अहेड इन आंध्रा एंड तेलंगाना with all the gosalas, with all the district level officers, even self-help groups, manufacturers, and then marketers. This is the तो छोटे छोटे पैमाने पे जितना भी मुझसे हो सकता है. अमिताभ जी ने मुझे बताया था कि तेलंगाना और आंध्रा में ऐसे करना है, तो पहले I was little
apprehensive of doing it. Kyunki okay. I wasn't sure about the sales of the hand. Forget about the past. There are so many. Our also is the first trial. Eh? We are also going for the first time all over India. See, no, I'm giving the background, Vallabhji. I'm giving you a background. Or एक 10 दिन से पहले ही ये ग्रुप शुरू हो गया है, उनको ट्रेनिंग भी दे दिया है, ऑनलाइन डिजिटली ये ट्रेनिंग दे दिया है, और उनका एक तेलुगु में टेक्स्ट भी बनाया है कैसे आपसे सीखे दिया है मैंने, तो कैसे वो दीपक बना सकते हैं बिना मिट्टी के, बिना मसाले के भी कैसे बना सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ के लोगों ने सिखाया था, दूसरों ने सिखाया था, उसका सब मैंने एक वीडियो और टेक्स्ट बना के लोगों को दिया है. और मोल्ड्स जो हैं, क्योंकि मोल्ड्स बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, या तो मोल्ड्स अवेलेबल नहीं है या कॉस्टली हैं, इसीलिए मोल्ड्स जहाँ पे कम रेट में मिल रहे हैं वहां से मंगवा के हम एक, क्योंकि इन लोगों को हिंदी नहीं आती और जो मोल्ड्स बेच रहे हैं वो ज्यादातर हिंदी वाले हैं. ये सब मैंने अपने दीपावली ग्रुप में भी बताया था आप लोगों को, तो इस वजह से मैंने क्या किया, एक लड़की को लगाया है जो इनके तरफ से उन ट्रेडर से बात करती है, मैं बात कर रही हूँ, और ये जो किसान है और गौशालाएं हैं उनके पास से पैसे लेके वी आर डूइंग अ बल्क ऑर्डर. अभी ऑर्डर आज शाम में मोल्ड्स निकलेंगे और वो पहुंचेंगे, फिर भी उनके इतना भी कैसे बना सकते हैं, जो ट्रेनिंग हमको ग्रुप में मिला था उसका भी मैंने एक छोटा वीडियो निकाला अपने फोन में और वो भी मैंने इसमें लगाया है. और सिर्फ उस ग्रुप में ही नहीं, उसके उस ग्रुप के बाहर भी जितने भी किसान हैं, किसान भाई बहन हैं, गौशालाएं हैं, उन तक भी वो समाचार पहुंचाने में काम चल रहा है. तो ये 2 हफ्तों से मैम भी बहुत अच्छी बात है, आपके एफर्ट्स मैं भी देख रहा हूं, आपके एफर्ट मैं भी देख रहा हूं और मैं उसे काफी सराहना करता हूं, हाईली अप्रिशिएबल दोस एक्ट्स आर. एंड आई हैव टोल्ड एवरीबॉडी हियर इन द बिगिनिंग दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन मीटिंग ऑफ तेलंगाना समथिंग अराउंड अ मंथ बैक, सम 20 डेज बैक, एंड दिस मीटिंग सिंस तेलंगाना पीपल आर ऑलरेडी देयर हु आर डूइंग रियली आई मीन गुड वर्क, दे हैव स्टार्टेड समथिंग फ्रॉम 20 डेज बैक, सो बाय नाउ दे आर वेल इन टू ग्रूव. And some of the people from Telangana are joining Andhra, Andhra's this particular, webinar, just to help them, just to facilitate them. So that if any guy here is new, who is not aware of from where to get mold, then these Telangana people who have already done so much work, they will be informing them how to go about it. If somebody is still looking for any sort of training, they will be getting it. Okay, now the thing is, this meeting we kept only for Andhra, because for us also, there is a checklist, like which states covered, which state left, which the a particular district into which particular state we are not having a single representative, and we have already taken meeting. So in that regard, we realized, okay, that Andhra is the only state which got left. Telangana we have completed, you were there, and after that I have seen great work from your side. Even our anthem for which we are going to release is also sung by you only. So yep. Telangana team has done a lot of great work. Now just Andhra was left, and the way you are looking for it, all farmers and other people should also have joined. Here, simply I am saying that, see, ma'am, like it happens that there is a parliament. There are certain representatives. Through them, we try to reach their areas. I mean, whatever is your area, you could reach out. We have to go through you. The people that we could reach through Govanam Trust, the people we could reach through Mr. Muri Gopal. That is not the problem. What I'm saying is there is some work done already in Andhra. That is what I'm trying to refer to. That should be also mentioned, right? That Andhra work has already started. It's not that. Yes. Govanam Trust has already told me, and many other friends has also told. But this doesn't mean that we have to leave this particular meeting, as things are already there. So we have to go about it, and we have to find out if there's a single new person coming up today. So even that is going to be very helpful. I'm not aware that each and every district of Andhra has already got covered. We have to find out, is there any district still left that will come today? That can be done. For that. Magar Andhra group is also there in that group is what I was trying to mention. And it is not that others
are not doing it or whatever. What I wanted to mention was the work has already started. That should be mentioned. That's great. We are just here to take it to the next level. Mr. Shekharji is here, who has joined the first time into this particular campaign. And there are many other new people also who are joining it first. All it's already happening in Andhra. And I am aware that this thing was happening for many years also. We are new here. But simply, now we are here, we want to get it, a bit more methodical way. So let's say, we should move ahead now. Mr. Mori Gopal ji, sir, please unmute yourself and tell me how we can take it better level in Andhra's condition. Adarniya Vallabhbhai Kathiria ji. Not to worry, sir. We'll take care of market part also. We'll discuss in open house after this. Yes, sir. Mr. Gopal, sir, please carry on. Vallabhbhai Kathiria ji, yes, sir. जिन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में और उसके बाद भारत की एक बड़ी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंडस्ट्रीज आप उसके को चेयरमैन थे और मैं तब से आपका काम बराबर देख रहा हूं। उसके बाद जब आप कामधेनु आयोग गुजरात के अध्यक्ष बने तब भी मैंने आपका उप सचिवालय का ऑफिस भी देखा है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लोग टच नहीं करना चाहते थे उसको वल्लभ भाई ने आज सबसे ज्यादा आगे रखकर फोकस का सब्जेक्ट बना दिया पूरे देश में। अपने अथक प्रयास से मैं उसकी सराहना करता हूँ और वल्लभ भाई को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरे देश की छोटी छोटी गौशालाएं भारतीय कामधेनु आयोग की तरफ नजर उठा के देख रही है कि किस तरह वो गोवंश को बचाकर रख सकती है और आगे कैसे छोटे छोटे काम करके वो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है। आपने ये जो प्रयास किया है पुण्य जी, आपने मुझसे पूछा क्योंकि ये मुझे कल ही मैसेज मिला। पहली बार मैंने ज्वाइन किया इस वेबिनार को, मुझे हैदराबाद के वेबिनार की जानकारी नहीं थी। मुझे कुछ समय देंगे तो मैं आंध्रा में जिला वाइज आपको और लोगों को जोड़ दूंगा। वल्लभ भाई जानते हैं कि हम लोगों का कनेक्ट भारत के करीब 650 में से 550 जिलों में डायरेक्ट है जहां हम खुद डायरेक्ट एक्सेस रखते हैं अपना, और उनका मुझे कमेटी में एज ए स्पेशल इन्वाइटी काम करने का मौका मिला था। 400-500 हमने पूरा देश घुमा है और आज की समय की जरूरत यह है हमको जो गाय को निरुपयोगी जानवर जब दूध नहीं देती है तो वो उत्तम उसको बदलना है। इसकी जो मैडम प्रिया गुप्ता जी ने सजेशन दिया है मैं आदरणीय वल्लभ भाई जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप तेलुगु में उनका एक वेबिनार क्योंकि आप कहें मॉडरेटर ट्रांसलेट करके बता देंगे लेकिन वो कराने से हम लोग जो जिला और तहसील स्तर पर लोगों तक तो डायरेक्ट पहुंच पाएंगे समय की जरूरत भी है क्योंकि वहाँ हैदराबाद रहता हूँ जानता हूँ आंध्रा तमिलनाडु और केरला ऐसी स्टेट है कि वहाँ आपको जिला और लेवल पर लोकल लैंग्वेज से ही मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा। आपका मैसेज जो है उसको ट्रांसलेट करें और जिस हिसाब से आज आपने काम को मैडम ने बताया कि वहाँ आंध्रा में किस प्रगति से चल रहा है अगर वो मैडम चाहती तो अभी उनको जो उनका ग्रुप है उसमें लिंक को वो लोग शेयर कर लें और उस लिंक के माध्यम से लोग जुड़ जाए तो जब वल्लभ भाई का बोधन होगा तो उसको मैडम ट्रांसलेट करके उन तक पहुंचा सकेंगी। मैं चाहता हूँ कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे और जो लोग ज्यादा आपको सुनेंगे वही उनके लिए संजीवनी का काम करेगा क्योंकि लोकल लोगों को तो लोग रोज सुनते हैं लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सुनते हैं लोगों की जुड़ने की भावना होती है। तो मैडम का सजेशन बहुत अच्छा है और इसमें पुरनेश जी आप ग्रुप में जो जो आपके प्रोग्राम है उनको
जो उसके ध्येय है उसको, और जो इसकी क्लासेस जो आप कर रहे हैं उसका कोई लिटरेचर है तो वो ग्रुप में डलवाइए ताकि उसको प्रोपोगेट करने में आसानी हो। और कुछ लोग आज चूंकि वर्किंग डे है तो हो सकता है कि इस वेबिनार में चाहकर भी नहीं जुड़ पा रहे होंगे, तो हम उनका उस लीफलेट के माध्यम से या उस वीडियो के माध्यम से जरूर वहां तक पहुंचेंगे। और पुनः मैं एक आश्वासन अभी दे सकता हूँ, वल्लभ भाई यहाँ उपस्थित उनके सामने जानते हैं मेरा नेचर, कि वल्लभ भाई अगर कोई चीज बोल देते हैं तो हमारे लिए वो एक एक्ट का तरह काम करता है कि उसको कैसे लागू करना है। उसके लिए हम पूरा प्रयास अपना करके आप जहां तक बोलेंगे वहां तक उस चीज को पहुंचा के आपको रिजल्ट देंगे और आपकी एक्सेल शीट पूरी भरे और उसमें पूरे नाम आए जो काम के लोग हैं वो काम आपके लिए पूरा किया जाएगा। मैं अभी एक मैसेज आपको देता हूँ, गुंटूर जो आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा से लगा हुआ जगह है, वहाँ हमारे मित्र बहुत बढ़िया फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स एपी में काम करते हैं, अक्किल अंजनेलू, मैं उनका नंबर अभी आपको, अगर आप नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम एक ही जाएंगी कि वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, हिंदी बहुत कम जानते हैं और तेलुगु जानते हैं, तो जब भी आप संभाषण करें तो थोड़ा सा उनसे इंग्लिश में करें और फिर बाद में कोई ना कोई आपको तेलुगु का तो थोड़ा रखना पड़ेगा। जी सर, अक्के रंजुलू नंबर है 9442 9402 6339 6339। मैं भी उनसे बोल भी दूंगा कि इस तरह फोन आएगा और वो आपको हर जिले में या तहसील में, मैं आपको जो कह रहा हूँ अतिशयोक्ति नहीं है, वो हर तहसील तक आपको पहुंचा के व्यक्ति उसका नाम उसका काम और समाज में उनकी रुचि इस तरह काम करने की, वैसे आदमी आपसे जोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वल्लभ भाई फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एट दिस फोरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बात भी और ये सूर्यकला मैम की बात भी, दोनों ही बात के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज हमारी ये पहली मीटिंग है आंध्र प्रदेश की इस टीम के साथ, और जितने लोग आपके माध्यम से या जो अभी आपने सर का नाम लिया गुंटूर से उनके माध्यम से, सूर्यकला मैम के माध्यम से या और भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं इनके माध्यम से जितने लोग जुड़ेंगे, और आप लोग अगर हमें कहते हैं कि सब हमें ये जो किसान, ये जो नए गौपालक, ये जो कुछ और लोग हैं ये जुड़े हुए हैं जो ये काम करना चाहते हैं लेकिन समहाउ इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो ट्रेनिंग आप जैसे ही कहेंगे कल परसों नरसों हम लोग करवाएंगे और वहां पे लोकल लैंग्वेज में ट्रेनर दे ट्रेनिंग को ये सुनिश्चित कराएंगे, और उस दिन भी अगर कोई और बात जो इम्पोर्टेंट है आयोग की ओर से वो उनके सामने रखी जाएगी वो बकायदा लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि फिर वो ऑडियंस भी उस तरह की हो, मतलब जो डायरेक्टली जिसको ट्रेनिंग लेनी है और जो केवल मे बी एक अगर कंफर्टेबल केवल लोकल लैंग्वेज में है तो ये पूरी कोशिश होगी, और ये आप बताएंगे मैम बताएंगे सब लोग बताएंगे कि हम ये मीटिंग कल करें परसों करें ट्रेनिंग की, और इन सभी लोगों को अब जोड़ लिया जाए, जैसे मैम बोल रही थी कि बहुत सारे छोटे किसानों को हम जोड़ सकते हैं तो अब जोड़ लेते हैं और मे बी परसों मीटिंग रख लेते हैं ट्रेनिंग की, जिसे ग्रुप बनाया है वो ग्रुप की डिटेल भी आप ले लीजिए और ये जो ग्रुप है आपका एपी कामधेनुओं का इसमें उसको जोड़ लीजिए। जी जी बिल्कुल, असल में सर क्या हुआ है कि हम लोगों ने सभी राज्यों का अलग से ग्रुप बनाया है, तेलंगाना का अलग आंध्र प्रदेश का अलग, सूर्यकला मैम ने बाद में एक कॉमन ग्रुप अपनी ओर से लोकल लैंग्वेज में बनाया है जहां उन्होंने आंध्रा और तेलंगाना दोनों को ऐड कर लिया है, सो दैट्स द तो हम लोग अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शेखर रेड्डी जी। शेखर रेड्डी जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और ये जो हम लोग अभियान चला रहे हैं और आंध्र प्रदेश में इसको सक्सेस बनाने में हम आपकी ओर भी देख रहे हैं, आपसे हमारी मुलाकात हुई है और आपकी उस पैशन को हम लोगों ने देखा है, सर हमें ये बताएं कैसे हमें आंध्र में बढ़ना चाहिए और सक्सेस पानी। या नमस्कार जी, कतुरा जी नमस्कार और सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। सर ये आंध्र प्रदेश में देयर इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, सो तेलुगु जो है वो होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश बट हिंदी नो हिंदी, हैदराबाद इज डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट। जैसे सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह जो इट्स अ मैंडेटरी दैट देयर हैज टू बी तेलुगु ओनली। आई वुड लाइक टू लिसन मोर देन वी विल टॉक लेट, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, एनी मोर
I mean, since we are meeting first time, I'm not very much aware about each and every of you. So let us have an open session where any of you who wants to add anything, please come up, please suggest how we should be moving ahead. It's an open house. Anybody can unmute and talk. निश्चिता दीक्षित जी को बुलाइए, काफी काम करती है समाज में, आप उनको बुलवाइए। जी मैम, आई कैन सी, आई मीन दीक्षित मैम इज ऑलरेडी अनम्यूटेड हरसेल्फ। यस मैम, प्लीज कैरी ऑन। पुनीश जी नमस्कार, वल्लभ सर नमस्कार, गोपाल जी आपको नमस्कार, और यहाँ पे उपस्थित सूर्य गुप्ता जी, आप सब गोभक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पे कामधेनु दीपावली के उपलक्ष्य में सब बात कर रहे हैं। तो अगर वल्लभ सर सुन पा रहे हैं तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे और हमारे संगठन को इस कामधेनु दीपावली के मिशन से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम अभी पिछले कुछ 20-25 दिन पहले ही इस मिशन से जुड़ रहे हैं। और पुरीश जी, हालांकि मैंने सर का जो मिशन अपना गोमय गणेश मिशन से वल्लभ सर को ज्वाइन किया था, लेकिन गोमय दीपा उसमें भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हालांकि हमारे पास 2-3 ही दिन बाकी थे तो उसमें हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। और अभी कामधेनु दीपावली मिशन से भी अभी 20-25 दिन पहले ही जुड़ पाए हैं और गोवंश मंथन की टीम के साथ जुड़े थे। हालांकि अब मैं आई एम नाउ डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद आपकी टीम के साथ डायरेक्टली मैं जुड़ पा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वल्लभ सर भी थोड़ा सा ये जान लें कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं काम। चूंकि मुझे ऐसा लगता है हैदराबाद में, मैं हैदराबाद में बेस्ड हूँ, तो आंध्र प्रदेश के साथ में हमें ज्वाइन किया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है तेलंगाना की जब मीटिंग हुई थी तब शायद हैदराबाद ज्वाइन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे मीटिंग का मिल नहीं पाया था इनविटेशन। तो एनीवे सब जान करके अच्छा। दूसरी बात ये कि हम लोग ऑलरेडी पुरुष जी पिछले 20-25 दिन से जब से हम लोग इस मिशन से जुड़े हैं, हमारा एक ट्रस्ट है हैदराबाद में ही, हम लोग कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ समाज सेवी हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। हम लोगों का एक सामाजिक संगठन है जन ऊर्जा मंच, जिसकी मैं सचिव हूँ। तो हम लोगों ने जैसे ही हम इस मिशन से जुड़े वैसे ही हमने वेबिनार्स लेना शुरू कर दिया था और अपने ही सबसे पहले सर्किल्स में हमने इसके बारे में अवेयरनेस और जागरूकता चलाई, अपने ट्रस्टीज को, अपने पदाधिकारियों को पूरा इसके बारे में कॉन्फिडेंस में लिया और उनके माध्यम से हम इसको फैला रहे हैं जन जन की तरफ। दूसरी बात यह हुई कि किसी कारणवश जैसा कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो मशीन और मोल्ड्स मिलने की बात हो रही थी कि हमें मिल पाएंगे, लेकिन वो नहीं मिल पाए और तो थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब हम लोग प्रोडक्शन में नहीं आ पाए। लेकिन वी आर इनटू मार्केटिंग एंड हम अपने तरफ से इसको अवेयर कर रहे हैं लोगों को। और मैं आपको जो थोड़ी सी अपनी गतिविधियां बताऊं, पिछले 2-3 वीक से हम लोग जो वेबिनार्स के माध्यम से, हमने एक महिला शाखा और एक बाल शाखा ये मैंने अपने ट्रस्ट में क्रिएट की है और हमने इस दो तरह की टीम बनाकर हमने कुछ बने बनाए दिए मंगवाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्शन और यहाँ पे हैदराबाद में बारिश वगैरह भी बहुत आई, फिर कुछ टेक्निकल कारणों के कारण ये चीज हो नहीं पाई। लेकिन हम लोगों ने अपने मिशन को जारी रखते हुए ये 5-5, 6-6 दियो के सेट ये गिफ्ट के तौर पे लोगों को बांटने का हमने ऑलरेडी अभियान शुरू कर दिया है। और दूसरी बात ये कि मैं, चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं वल्लभ सर की तरह मैं भी एक डॉक्टर हूँ और अपने देश की सेवा के लिए अब विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपना समय दे रही हूँ। तो हम लोगों ने अपने इस वेबिनार्स के माध्यम से गोमय प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली गोबर के बने हुए दियो का प्रचार करने के लिए, उनका एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टी, हवन में कैसे गोबर के कंडों को जलाने से, गाय का घी, देशी गौमाता के घी से हवन करने से, क्योंकि दीपावली आ रही है तो लोग हवन भी करेंगे, तो कैसे एनवायरमेंट को हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे इन सब कोरोना के संकट में भी इस पूरे वातावरण को एक तरीके से फ्यूमिगेट करके हम हवन के माध्यम से उसको बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ वेबिनार्स मैंने खुद ने लिए हैं जिसमें मैंने गृहिणियों को
और परिवारों को जोड़कर उनको इसके महत्व को समझाया है और गोमय दिवाली के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ाने की अपील भी हम लोगों ने की है। दूसरी बात, हमने कुछ 500 से 1000 दो तीन राउंड्स में इस तरह के पीसेज परचेज किए हमारे ट्रस्ट के माध्यम से सिर्फ अवेयरनेस के लिए। तो हम ये छोटे छोटे पैकेट्स बना करके और लोगों को एक तरीके से गिफ्ट कर रहे हैं और जिससे कि एक उनके अंदर ये भावना जागे। और बेसिकली हमारे आसपास जो लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट गिफ्ट्स खरीदते हैं, अभी जब जो दीपावली पे सब अपने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स एक दूसरे को देंगे, तो हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को इस तरह के बने दिए गिफ्ट करिए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए। तो मैं आप लोगों के से आज हमारी जो बाल शाखा की गोमय दीपावली कामधेनु दीपावली को जो लीड कर रही है अनिका, मैं एक बार उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। मेरे साथ में बैठी है अनिका और वो हमारी बाल शाखा को लीड कर रही है कामधेनु दीपावली मिशन के लिए। तो अनिका 7th क्लास में पढ़ती है, 12 साल की है। पुरीश जी, मैं चाहूंगी कि आप 2 मिनट अनिका को भी सुन ले कि वो क्या कर रही है इस मिशन के लिए। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम और वंदे गो मातरम। मैं अनिका, मेरे कुछ मित्रों के साथ ये गोमय दिवाली मनाने के मिशन में जुड़ी हूँ और हम लोग इस तरह के 5-6 दियों का सेट हमारे टीचर्स को गिफ्ट कर रहे हैं, उनको इसका महत्व बता रहे हैं। और अभी हमने बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी है, हम इन दियों पर हल्दी और कुमकुम से डेकोरेशन भी करने वाले हैं। तो मैं जन ऊर्जा मंच के माध्यम से ये गौमय दिवाली का मिशन लीड कर रही हूँ अपने कुछ मित्रों के साथ। बहुत 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 अभिनंदन अनिका, वेरी नाइस टू लिसन यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट डॉक्टर निशिदा यू हैव डन वेरी गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर बस ये है कि इस बार तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इस लेवल पे भी जितना भी कर पाए, लेकिन दीपावली के बाद भी ये कार्य जारी रहेगा। इनफैक्ट हम लोगों के सारे ट्रस्टीज, एक हमारे ट्रस्टी नागपुर से भी हैं, तो उन्होंने भी हमको काफी सारे इस तरह के कंडे बनाने की भी हमें प्रेरणा दी है छोटे। तो हम लोग हवन, अभी जो दीपावली में हवन लोग करेंगे, इसको भी हम लोग अवेयरनेस के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो गोमय दीपावली करने के बाद सर ये कार्य तो बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे, जारी रखेंगे। और हैदराबाद के मैं देख रही हूँ काफी सारे गोभक्त जसमत भाई भी हैं, अपना गोपाल जी भी हैं, तो हम सब कंबाइंड ये कार्यक्रम को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। जी जी मैम, एंड दीपावली इज जस्ट अ सिंबल। दीपावली इज द फर्स्ट, आई मीन यू कैन से Diwali is first event where we are going into this way, Jee. methodical way right now. After this, we have to go for Pongal also, Ugadi also, Vishakha Utsav also, even Tirupati Tirumala Brahmotsavam also. Jee. So from now onwards, every festival in Andhra, we have to ensure that we are going to use only cow dung made deepam, cow dung made idols. So this was just first step going towards in this direction. I'm really happy that people have already started work, because anyway we were doing this meeting very late, so we were thinking also that how we are going to manage it into remaining times. But it's good to see that many people are already working from last 20-25 days, and our Telangana team came very deeply here. The team has met a lot many people, and work has already started here. That's a really great sign, and this is what we wanted also. We just wanted to create certain leaders, and then these leaders are creating team, their team, and they're working around. So great to see it's already happening here. Any more speaker? I would like some more of you people also to come up. Puriji, just as a continuation, December 14th, we are doing a Vajpayee Mahasomayaga. So we can involve all this. And we are doing a very scientific studies. We have been doing this long, and we would like to study this time what is the oxygen levels increased after this cow guy burning and all. We would like to do this time. So you can suggest some of the things.
this we are doing at Pragati Resorts in Hyderabad on December 14th. So which city? Hyderabad. Which? Hyderabad, sir. Okay. December 14th, I'll also invite you, sir, for that. Come on, it's a 7-day program. Okay. This will be a continuation of after this Diwali. Yeah. Thank you, sir. Yeah, we really want each of you to do some scientific study also. That is miserable. So that these days, after we have started our work and we have started telling benefits of cow dung, many organizations are already asking about the scientific validity of them. So yes, since we have started, so such questions are bound to come, and we have to find out all these scientific observations, studies. So yes, please, whatever you do, if it is possible, do start recording also, do start documenting also, so that we could, all those studies which are not undergone yet in scientific manner, we should start it now. We are already aware of about all the benefits of cow dung, but still, if there's any such query, how to prove it, then we should be having some well-documented way also from it. Yeah, Padmaji, you want to speak something? Anyone else want to add anything before we move to our chairman, sir? Anybody? It's open house. Anybody? Just Purneji, sir, is there. I want to convey that in the meantime, I have talked to Agarwal Samaj people and Lions Club people. They will be in touch with Nishita ji for buying this Deepam for Deepavali, and they will distribute free after buying this to whatever people they can, and they will be in touch with her. Thank you so much. That's great, sir. And Purneji, you will talk to Mr. Ajirindu. I have already spoken to you. Thank you. Great, sir. I was listening to Nikita ji, and I just wanted to add one thing. Although Nikita ji has started the marketing part of that, the sale part of that, making these diyas available to people, I just wanted to add that we have still to find out, although time is less, but still we have to find the opportunity for manufacture of it with Gochalas of Andhra Pradesh. And I know that it is just 2 to 3 days task. I mean, if we are going to give you the list of people who are selling these molds, who are giving these molds, you people can procure it within a day or two. And within a day or two only, we can provide training also to the new people. And I think when mold is available, when training is available, then it's not going to take much time. And I've seen many organizations with whom we have taken meeting, and they got training. And then within 2 to 3 days, they told us that they are now manufacturing 10,000 diyas per day, because goshalas are there. The huge quantity of cow dung was there. And when they got training how to make premix, how to use mold, then in very less time, they were able to create their own team who were manufacturing into thousands per day. So it is this model is replicated across India. And I think if people will try into health, Andhra Pradesh also, then within 2 to 3 days, you people will become, I mean, all the Goshala people are going to become very much productive in terms of manufacturing. Sir, let's give an honest try. कोशिश करते हैं कि बाद ही production start कर दें। मैं workshop में जाऊँगा। जी। Production start करने के रास्ते में जो भी issues हैं आप उसे हमेशा contact करें। अपने तेलंगाना team से ही लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से training भी provide करवा देंगे local language में। जी। और molds वगैरह कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? अब across India हम लोग के पास काफी updated list है, तो वो बहुत सारे local भी आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है। पुरुष जी, मैंने दीक्षित मैडम और अंजनेयर जी को अपने अपने ग्रुप में ऐड कर दिया है, और गोपाल जी को भी मैं तेलंगाना ग्रुप में ऐड कर दिया है। अमेरिका से हम लोग पढ़ते हैं अपने चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ प्रिया जी की ओर। सर, नहीं एक यस हेलो आप कौशली प्रसाद बोलना चाहते थे,
पद्मा जी आपका माइक ऑन है, आपकी पर्सनल बातें सुनाई दे रही हैं। हाँ यस मिस्टर कोसूरी सर, आप कुछ कहना चाहते थे? मिस्टर कोसूरी प्रसाद सर अपने आप को अनम्यूट कर लें, मिस्टर कोसूरी प्रसाद सर, और अपनी बात रखें। सर मिस्टर कोसूरी प्रसाद प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इज राइटिंग नॉट एबल टू डू। ओके ओके या इट्स फाइन सर। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली बेसिकली आई एम बैंकर इन कमम, इट इज इन तेलंगाना। ओके both Yuvraj ji and Suryakala ji both are working very great in this state. Okay sir, in two states, AP and Telangana, we are due to this thing we are ready to cooperate from our district, that is Khammam district. Great sir. Okay sir, thank you very much. Thank you sir. Our Jaswat bhai Patel is there. Jaswat bhai aap kuch boliye। यस घने बहुत लंबे टाइम के बाद हमारी बात, आप जरा अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, चालू करिए, आवाज नहीं सुनाई देती। जसमत पटेल सर। यस हाँ जी, सबको मेरा जय गौ माता। जय गौ माता। मेरा तबीयत अभी उतना ठीक नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन आप सबको मेरा प्रणाम है और सभी अच्छा काम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा इसको मार्केट में अपन किस तरह मूव करना है, बस इसका एक ज्यादा प्लान करना है। केम छो वल्लभ भाई? जी शू तबीयत अलग शू से तकलीफ छे बीमारी के? अरे कोविड થઈ ગયો તો। અચ્છા તો નાવ 20 દિવસ લે 20 દિવસ હોસ્પિટલ માં તો હવે સારું છે કમ્પ્લીટ चार पांच दिवस से घर आए बच्चों। ओके ओके चलो, वी प्रे फॉर योर स्पीडी रिकवरी। हां भगवान ने प्रार्थना करिए, तिरुपति ने पर प्रार्थना करिए, जल्दी सारे ठीक आओ और गौ माता ने सेवा में लगे। हां जी ओके। यशवंत भाई पटेल ही इज फ्रॉम अवर गुजरात एंड फ्रॉम मोरबी इन माय फ्रॉम माय होम टाउन नियर बाय माय कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा एंड वेरी मच वेरी गुड सोशल वर्कर, गौ सेवा वर्कर and some of the prominent personalities in Hyderabad and in Andhra, doing so many charitable activities also. He is doing daily charity daily. Very nice person, very down to earth person again. So and I have been at his home also before so many times, and he is again I think with Gurukul also. He has joined his hand and he is helping there also. Okay, now let us go ahead. Thank you, sir. Yes, sir. Anyone else want to add anything now, or we should now move towards the closure of it through our chairman, sir? Yes, yes. मुझे लगता है मुझे भी और एक जगह जाना है। Yes, sir. दूसरा भी सेमिनार है, वेबिनार है 2 बजे। Yes, sir. मैं समापन कर दूँ, पुरीश? बिल्कुल, sir. समापन के लिए मैं आपकी ओर आ रहे हैं। जी. Please, sir. सबको नमस्कार, वंदे गो मातरम। जैसे पूरा आई वाज लिसनिंग द ऑल सेमिनार ऑल वेबिनार, बड़ी खुशी की बात है कि पूरे आंध्र में काम करने के लिए, वैसे आंध्र और तेलुगुना का नेक्स्ट मीटिंग हम साथ में करेंगे और अच्छी तरह से एक माहौल बन गया है। अल्टीमेटली जो पुरी जी ने कहा, अवर एम इज टू यूटिलाइज द स्ट्रे कैटल, काउ डंग एंड काउ यूरिन, और उसके आधार पर हम कह सके कि काउ इज 100% वायबल बाय एनी फार्मर और गौशाला ऑल्सो। एंड वी वांट टू प्रमोट द मैसेज ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर गौशाला। आत्मनिर्भर गौशाला के लिए अगेन हमें यूज करना है काउ डंग और काउ यूरिन। तो काउ डंग का हमने पहला, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, काउ डंग का उपयोग करके गणेशा बनाया, और नाउ वी आर मेकिंग एलोंग विद द दीपक, देयर आर सो मेनी मोर देन 300 आइटम्स
तो उनको प्रमोट करके हमारी गौशाला को स्वावलंबी बनाना, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप, कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से युवा, इवन जो भी लेबरर्स थे वो आगे आए, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनके लिए मोल्ड भी जहां जहां नहीं मिलते थे, तो वी यूज टू कनेक्ट ऑल द मोल्ड मेकर्स पूरे देश में। इसे हमने स्टेट वाइज मीटिंग की, हर एक स्टेट की अलग अलग, और काफी हमारा पहला प्रयास था, जितना हमारे पास लिस्ट था, जहां जहां से हमारे पास कॉन्टेक्ट में थे, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो मजे की बात यह है कि जो मोल्ड बनाते थे उनको पता नहीं था कि माँ मुझे कहाँ बेचना, और दोज हु वांटेड टू बाय मोल्ड उनको पता नहीं थे कि हमारे स्टेट में कोई मोल्ड बना रहे हैं। और अच्छा हुआ कि दोनों को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली मार्केट का हुआ, बहुत सी गौशालाएं देवर अपरेट कि सर हम बनाएंगे तो सही, दिए आप लाख का ऑर्डर कहते हो, लाख बनाओ, दो लाख बनाओ, लेकिन हु विल बाय, उनका भी अच्छा एक माहौल बन गया। उसी बहुत से स्टेट की द सेम मीटिंग, इन द सेम मीटिंग पीपल केम फॉरवर्ड कि ओके आई वांट टू बाय 5 लाख दिया, यू प्रोवाइड मी 5 लाख, तो इमीडिएटली उनको मार्केट मिल गया। तो बेसिकली राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इज डूइंग द वर्क ऑफ टू फैसिलिटेट एंड टू कोऑर्डिनेट ईच अदर। फर्स्ट इज द गौशाला मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज आर हैविंग द रॉ मटेरियल काउ डंग, देन महिलाएं युवा जो काम करना चाहते हैं, देन मोल्ड एंड मशीन, उनके लिए जो मैन्युफैक्चरर थे, मशीन ड्रायर है, पोलोलाइजर है, उनके लिए मोल्ड के लिए। देन आया मार्केटिंग के बाद, तो मार्केटिंग के लिए भी बहुत से ऐसे डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे बाकी के शोरूम बनाने, KVIC अलग अलग आउटलेट उनको जोड़ने का प्रयास। ट्रेनिंग की बात आई बीच में, तो ट्रेनिंग भी हमने अलग अलग स्टेट में दिलवाई, वो भी हमें पता नहीं था जब शुरू किया, तो हमें एक केवल नागपुर के वो भणके का हमें पता था, जितेंद्र भणके। लेकिन जैसे पूरे स्टेट वाइज मीटिंग होती गई तो पता चला कि देयर आर सो मेनी ट्रेनर्स, इवन ईच एंड एवरी स्टेट वन कोई NGO इज डूइंग गिविंग ट्रेनिंग, कहीं कहीं तो नॉट ओनली ट्रेनिंग, चार चार पांच पांच दिन के वर्कशॉप करते थे हाउ टू मेक द अदर आइटम्स ऑल्सो मैन्युफैक्चर मोल्ड बनाने के साथ, मोल्ड के साथ। तो ये सबका एक अच्छा नेशनल नेटवर्क हमारा खड़ा हो गया है एक दीपक के बहाने। एंड नाउ वी विल गो अहेड, इट इज नॉट द एंड, यहाँ कोई कार्यक्रम समाप्त होने वाला नहीं है, ये तो एक स्टार्ट है। बाद में दीपावली अभियान के बाद ये एक पूरी इंडस्ट्री ऐसी बन जाएगी कि इट विल बी रनिंग थ्रू आउट ईयर कंटिन्यूअसली, दिया कंटिन्यूअसली अदर, जैसे आप सबको पता है, मैं दिखाता हूं, ये कागज की इंडस्ट्री बनने वाली है आने वाले दिनों में, पूरे देखिए ये कागज बना है, ये पूरा काव ढंग से बना है। ये जैसे ये मूर्ति है गणेश लक्ष्मी जी की, तो ये है गणेश पार्वती जी की, हाँ शिव पार्वती जी की, यानी कि हमारे देश में तो सतत उत्सव चलते रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के देवी देवता महापुरुष उनके ऐसे बनते रहेंगे। घर में रंगोली, घर में तोरण, घर में घर के टेबल पीस, अपने टेबल पीस रखने के लिए नेम प्लेट, ये सभी आइटम चलती रहेगी, यानी कि एक पूरी काव बेस्ड डंग की इंडस्ट्री। इवन घड़ी, इस बार तो घड़ी भी बनाने वाले हैं काव डंग की, तो जरा मोर देन अंत में जब हमने शुरू किया तो एट दैट टाइम आई वॉज इवन नोइंग ओके 40-50 आइटम्स आर मैन्युफैक्चर, पर लोग जो इनोवेटिव है अपने देश में, तो इतने अच्छी तरह से अलग अलग आइटम बना करके अपने मोबाइल में हमें बोल दिखा रहे हैं कि सर आई हैव मेड सच आइटम, तो ये कारवा बनता गया हमारा। जैसे आगे चलते गए तो एक पूरे देश में अच्छी टीम बन गई है, तो ये काम उनका भी आगे बढ़ाएंगे। मोल्ड बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, बहुत से मुझे वीडियो भी इतने आए हैं, इसमें दिखा सकता हूँ आपको कि अपने हाथ से जैसे कुम्हार बना लेता है, तो अपने हाथ से मोल्ड बनाने के मोल्ड की जरूरत नहीं, अपने हाथ से ही दिए बनाने लगे। कहीं ना कहीं एक दिया रखा, उनके ऊपर बाद में मटेरियल रख दिया और उसके ऊपर दूसरा दिया फिट कर दिया। तो ये सब अपने जो इंडिजिनस टेक्निक है ना, अपना जो विजडम है, वो विजडम का उपयोग करके काफी लोग अलग अलग प्रकार के दिए, अलग अलग प्रकार के मोल्ड, मोल्ड भी
देखिए मुझे पता था पहले केवल मेटल मोल्ड और डेट वॉज सो मच कॉस्टली, तो बताया कि नहीं सर मेटल की नहीं रबर का मोल्ड बनता है, रबर के साथ प्लास्टिक का भी मोल्ड बनता है, तो ऐसे मोल्ड तो कहे भाई एक दिया केवल क्यों, हम तो एक साथ में 10 फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बाद में बायो गैस से लेकर सीएनजी अपने देश की ऊर्जा के लिए, अपने देश की कृषि के लिए। और अभी आज सुबह में मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला है, आयुर्वेदिक फार्मा वाले अभी गए, तो उन्होंने कहा कि ताओ डॉन ताओ यूनिट पहुंच के से आने वाले दिनों में हम मेडिसिन बनाएंगे, तो पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये भी हम करने वाले हैं, यानी कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी पॉइंट। ताओ रिलेटेड देर आर मोर देन 100 सब्जेक्ट्स, उनको सबको हम वन बाय वन लेंगे, कहीं साथ में भी लेंगे बच्चों के। मैं आपको ये तो विषय की बाहर जा रहा हूँ लेकिन बता दूं कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार मिले गाय के बारे में, सही उनको महत्ता, उनकी उपयोगिता, उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड, काउ इज फुल ऑफ साइंस, ये उनको पता चले। आज के पर्यावरण के कोरोना के बाद वी आर वरीड अबाउट दी क्लाइमेट चेंज, तो उनमें भी गाय का रोल, ये सब बातों को हम पाठ्यक्रम में डालने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 12। अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट कामधेनु चेयर और कामधेनु स्टडी सेंटर इन ऑल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज कैंपसेस, कॉलेज कैंपस में भी हमारे युवा को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज काउ, व्हाट इज अवर देसी काउ, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इट्स घी, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ काउ डंग, काउ यूरिन, ओवरऑल काउ। अभी 2 दिन पहले आर्टिकल आया था ना क्या काउ कटलिंग, अमेरिका में $100 दे रहे हैं काउ कटलिंग के, काउ के सहवास में रहने से कितना फायदा है, जिसे पति बताया गया हमारे आदरणीय अजीत जी ने बताया, इवन रेडियो एक्टिविटी के बारे में ये जो रिसर्च करना, ऑल सब्जेक्ट आर गोइंग टू कम इन नियर फ्यूचर। लेकिन आज का हमारा विषय हमने स्टार्ट इसलिए किया ये दीपक से कि एक बार हम जन जन तक पहुंच जाए, हमारी संस्कृति है दीपक की, असत्य से सत्य और अंधेरे से अंधेरे से अपने प्रकाश की ओर जाने की, मृत्यु से अमृतमय तरफ जाने की, तो इसको एक दीपक का निमित्त बना करके हमने काम शुरू किया। हम सब एक हमारी कोर टीम बन गई आंध्र की और तेलंगाना की साथ में, तो उनका काम ये होगा कि हाउ टू प्रोपेगेट दिस आइडिया अमंग द ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी राइट अनटू द लास्ट गांव तक, हमारे किसान तक, गोपालक तक, हमारे युवा महिला तक, सबको पता चलना चाहिए, सबको समझाना है, सबको इस अभियान में जोड़ना है। और हमने साथ में जुड़ा है इनकम को भी, देखिए सेवा तो बहुत चला गाय ने सेवा बस एक ही बात चली और इसीलिए गाय की दुर्दशा हुई, तो हमने सोचा वेन आई वॉज, हमारे गोपाल जी बहुत पता है कि वेन आई वॉज द चेयरमैन ऑफ गौ सेवा आयोग गुजरात, तो हमने सोचा कि व्हाट आर द एवेन्यूज कि गाय को गौ माता को कैसे बचाया जाए, हाउ टू वी कैन हम खाली करें गौ, हम गौशाला को कैसे खाली करें, गाय तो घर में रहनी चाहिए, हमारे कुटुंब का अविभाज्य अंग था, तो इनके लिए क्या उपयोग, तो भाई पैसा नहीं है, यदि गाय पैसा नहीं कमा करके देगी तो कोई नहीं रखेगा, तो दूध नहीं देती है तो पैसा कैसे कमाए गाय से। उसके बाद आई गौमूत्र और गोबर की, गौमूत्र और गोबर से पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा हमारे किसानों के गोपालकों के माइंड में हमें सेट करना है, वो माइंड में सेट करने के लिए क्या करना, गाय का उपयोग गोबर का उपयोग किया तो उपयोग है भाई, ऐसा आइटम बनाओ, आर्टिकल बनाओ, ऊर्जा ऊर्जा में बायोगैस बायो फर्टिलाइजर, तो उनको प्रोपेगेट करने के लिए सरकार की स्कीम, सरकार की मशीनरी का उपयोग, सामाजिक संस्थाओं एनजीओ हम सब जो है एनजीओ का उपयोग, रिलीजियस हमारे लीडर्स, हमारे हमारे संत महात्मा उनका योगदान, यानी कि समाज के सब तबके के लोग को हमें किसी को छोड़ना नहीं, गौ रक्षकों को जोड़ना है, गोपालकों को, गौ कथाकारों को, कल मेरी हमारे यहाँ गुजरात में कथाकारों से बात हुई है, भाई हम आप कथा के माध्यम से या तो आप अपने कहीं ना कहीं जो कलाकार गीतों की प्रस्तुति करती है, हमारे यहाँ गुजरात में जो गरबा जैसे है वैसा डायरा होता है, तो उनमें उनके माध्यम से लोक संस्कृति के माध्यम से
गाय की महत्ता को कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, ये सब बातों को हमें हमारी ये टीम को समझना है। हमें कोई एक काम पर सीमित नहीं रह जाना है। वी आर फॉर होलिस्टिक अप्रोच, लेकिन आज हम नंबर वन से शुरुआत कर रहे हैं, बाद में दो तीन चार उसमें आगे बढ़ना है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। गाय माता का मैं मानता हूं कि कोरोना ने एक ऐसा मौका दिया है समाज को कि गाय की ओर जाना पड़ेगा। वो दिन आ गए हैं। हमारे जसवंत भाई को मैं देखता हूं कि बहुत सारा सेवा कर रहे हैं, लेकिन जसवंत भाई जैसे हजारों गौ सेवक आप जैसे थक न जाए, क्योंकि गौ सेवा में कहां तक सेवा करेंगे, कहीं ना कहीं इनकम कहां से, डोनेशन कितना लेंगे, थक जाएंगे। वो थके नहीं हम सब, इसीलिए ये मार्ग है। दिस इज द राइट वे कि हाउ टू प्रोड्यूस मनी, हाउ टू जनरेट जॉब, हाउ टू मेक प्रिपेयर एंटरप्रेन्योर्स, युवा रोजगार के लिए अपनी कंपनी बनाए, 10 गाय से रख करके शुरू करें, 10 20 50 गाय, गौशाला, गौशाला के बाद गाय के दूध का वैल्यू एडिशन, काउ यूरिन का वैल्यू एडिशन, काउ डंग का वैल्यू एडिशन, ऐसा करके एक सही गाय गौशाला नॉट ओनली सस्टेनेबल, मैं तो मानूंगा कि प्रॉफिटेबल कैसे यूनिट बने, इस दिशा में हमें काम करना है। उसमें आज का एक प्रथम प्रयास है। हम सबको हमारे माइंड में तो क्लियरिटी होनी चाहिए। हम तो मानते ही हैं गौ माता की, जो भक्त है गौ माता के सेवक है, तो हम अकेला नहीं, हमारे साथ हजारों लोग जुड़े, ये काम हमें करना है। मौका आया है, सरकार भी पॉजिटिव है, यानी कि सरकार की नीति भी है और नियत भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने इसीलिए ही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया है, और कामधेनु आयोग हम सब देश में एकजुट होकर के पूरे देश में ऐसे हम जुड़ेंगे, हम सब लोग साथ में आएंगे, तो अवश्य जो हम और आप जो दिन देखना चाहते हैं कि हमारी एक भी गाय गौ माता रास्ते पर न रहे, हमारी एक भी गौ माता प्लास्टिक न खाए, हमारी एक भी गौ माता दुखी न हो, बीमार न हो, रास्ते पर जिसको माता कहते हैं 33 करोड़ देवता है, वो आज ऐसी दुर्दशा में, ये दिन जल्दी से हम देख सके, इसलिए पूरे समाज में जन आंदोलन, जन अभियान, और उनका एक छोटा सा हिस्सा है, मैं कहूंगा कि आज का और ये गोमय दीपक अभियान कामधेनु दीपावली। मैं आपको बताऊंगा, हमने जो 28 स्टेट और अब तक तो हम और पुरुष कल गिन रहे थे, मोर देन 70 ऐसे वेबिनार पिछले 2 महीने में हमने कर दिए हैं, यानी कि एक दिन में दो से ज्यादा हुआ। मुझे याद है एक दिन में मैंने 4-4 वेबिनार ऐसे किए थे, एक दिन में 4 वेबिनार। यही मकसद था कि हमें जन जन तक पहुंचना है। इस अच्छा एक माध्यम मिल गया हमें दीपक, और उनके आधार पर समाज की चेतना को जगाना, समाज को जागरूक करना है कि आइए अब सेवा के शब्द को गलत न समझे, गौ सेवा का अर्थ अच्छी तो सही मायने में समझे कि गो धन कहा गया है, गो मैं वसते लक्ष्मी कहा गया है, तो उनको उसमें कैसे लक्ष्मी ढूंढे, कैसे हमारी बहनों को रोजगारी दे, कैसे हमारे युवाओं को आज नए नए उद्योग में आगे आए। और मैंने आपको बताऊंगा कि मोर देन ऐसे काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनका बड़ा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और इतने उद्योग इसमें हैं, वो भी कल्पना नहीं कर पाएंगे आप, नए नए उद्योग उसमें हैं, गाय गौ आधारित उद्योग, काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो भी हम लाएंगे। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री का जो उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, न केवल आत्मनिर्भर, उसके आगे मेक इन इंडिया कंसेप्ट, अपने देश में ही बने सब आइटम, क्यों हम फॉरेन से दिया आए, क्यों फॉरेन से हमारे चाइना से आइटम आए, और इसके आधार पर एक समृद्ध भारत का निर्माण। दूध की दरिया बहती थी, भारत सोने की चिड़िया थी, और उस समय गाय इकोनॉमी के सेंटर में थी, गाँव सेंट्रिक इकोनॉमी थी, गौ आधारित हमारी समाज व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु हमारी गाय और कृषि थी। तो गाय और कृषि को फिर से समाज के सामने, ये हमारा दायित्व है, हम सबको थोड़े, अब मैं नहीं मानता कि जितना स्ट्रगल, जितना दुखी हुए हम सब, जितना हमें परेशानी हुई कि कोई कोई सुनना नहीं चाहता था गाय के बारे में, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता था, कभी कभी कोई डोनेशन के हाथ जाते थे ना बोल देते थे, ऐसे समय में अब पूरा साइकिल पॉजिटिव साइकिल चल पड़ा है। लोग अब देखने आने समझने लगे कि नहीं, बात बात तो कहीं कहीं अच्छी बात है, कहीं दूसरा है,
दो दिन पहले पुरीश्वरम थे ऑफिस में, उड़िया की एक पत्रकार, छोटी यंग लड़की, 25-30 साल से ज्यादा नहीं होगी, एक क्यूरियोसिटी के साथ, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट ए काउ डन, आई डोंट, आई वांट टू सी। तो उनकी पूरी टीम को लेकर के हमारे यहाँ ऑफिस में आ गई और पूरा 2 मिनट का वीडियो, उन्होंने पहले बोला था कि 2-3 मिनट का वीडियो लेंगे, न्यूज चैनल थी, लेकिन जब हमारे पास आई, बैठी और हमारे साथ विचार विमर्श हुआ, तो 15-15 मिनट का वीडियो हुआ, 15 मिनट शी आस्क द क्वेश्चंस, एंड वो इतनी फेल हो गई जाते समय गाय के बारे में, तो मुझे लगा कि ये हमारी कार्यकर्ता हो गई, हमारी एक अच्छी एक वॉलंटियर हो गई। ये काम हमें करना है, हमारा सबका दायित्व तो ये है, हमें कोई अकेले एक काम में जुड़ करके दिया बनाना इससे प्राइमरी थी, लेकिन दिया बनाने के साथ पूरी मूवमेंट को, पूरी मूवमेंट को जगाना, और एक जन दिया अभियान में ये काम के लिए आज का वेबिनार इस बात की स्पष्टता के साथ हम काम करेंगे। समय कम है, दीपावली आएगी, इसलिए वो चिंता का विषय नहीं कि दिया तो हर दिन हमारे घर में जलता है ना, दीपावली के बाद कड़वा होता है, छठ आएगी, उपाष्टमी आएगी, बाद में देव दिवाली आएगी, और बाद में फिर 31 दिसंबर वाला नया साल आएगा। तो ये तो हमारे देश में तो उत्सव की तो परंपरा है, वो तो हर दिन उत्सव होते हैं, तो इसमें दीपक भी रहेगा हमारे गणेश भगवान की, तो महावीर जयंती और बुद्ध की, सभी ऐसे देवी देवता का जन्मदिन, उनकी तिथि, ऐसे आदि तक उनका भी प्रयोग होता रहेगा। ऐसी कोई आइटम नहीं है कि जो केवल एक बार चलेगी, इट विल बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलती रहने वाली है, और अपने अपने एरिया के अनुसार आसाम वाले वैसे बनाएंगे, गुजरात वाले अलग प्रकार के आइटम बनाएंगे, अब आंध्र वाले ऐसा बनाएंगे, तो पंजाब वाले उनकी संस्कृति के आधार पर। तो इसीलिए ये कोई रुकने वाला नहीं है, हमें इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है। और बाद में तो मैं कहूंगा ना, जैसे कि काव यूरिन से और पंजगवी से हमारे यहाँ महिला मंडली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्होंने सैनिटाइजर बनाया है, बायो सैनिटाइजर, आजकल का सैनिटाइजर में डॉक्टर हमारे निशिता भी डॉक्टर, पता है कि कितना नुकसान करने वाला है आने वाले दिनों में, लेकिन एक रियली हर्बल सैनिटाइजर, तो ये भी काव यूरिन से हो सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, प्रिवेंटेशन ऑफ डिसीज, है ना भाई, उसके लिए भी गाय का पंचगव्य, ये सब काम करने वाला है, उसमें हमें जरा भी रुकना नहीं है। कहते ना कि चले थे अकेले लेकिन कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए, तो आज पूरे देश में हमारे साथ, जैसे आपकी है, हर एक स्टेट में ऐसी टीम बन गई है, आपको ही अब चलाना है आंध्र और तेलंगाना की टीम को, आपको बार बार रिव्यू मीटिंग करना है, कहीं ना कहीं वीडियो मीटिंग करना है, कहीं ना कहीं प्रेस में देना है, आप छोटा सा वीडियो बनाओ 1-2 मिनट का, आप प्रोपेगेट करो सोशल मीडिया में, कहीं संत महात्मा को मिलने जाओ, कहीं गौशाला में जो बनता है, मेरे पास बहुत वीडियो आते हैं, छोटी छोटी लड़की 8-8, 10-10 साल, जैसे अभी आई निकिता, अंकिता नहीं, क्या नाम, अनिका, अनिका, वैसी लड़की, मुझे मेरे पास वीडियो आया है, फटाफट 1 मिनट में मैंने देखा कि 30 से ज्यादा दीपक बनाया, छोटा सा मशीन है, हैंडमेड, पैर दबा दिया, मुझे तो देखने में भी मेरा लगा कि कैसे बनाती है, देखने में 2 बार तो मैं, 3 बार तो देखना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा अच्छा एक मुहिम हमारे लिए होने वाला है, उसमें हमें कोई चिंता की कारण नहीं है। मैं अवश्य मानता हूं कि आने वाले दिनों में दिए कम पड़ेंगे, इतनी डिमांड होने वाली है अभी 15 दिन में कि वो सब मुझे पूछते कि दिए कहां मिलते हैं, तो हमें कहना पड़ेगा इस गौशाला में जाओ, वहां देखो। तो ये दिन आए, और इसलिए आप संत महात्मा को मिलो, उनसे वीडियो करवाओ, उनसे अपील करवाओ, उनके जो अनुयायी है मठ मंदिर आश्रम के, कहीं ना कहीं अपने स्टारवर हीरो हीरोइन हो उनको भी पकड़ो, सेलिब्रिटी को, कहीं कोई कलाकार हो, क्रिकेटर हो, उनको पकड़ो, उनसे अपील करो, लोगों तक बात पहुंचेगी भाई गाय। और मैं कहता हूँ कि इतना लोग क्यूरियोसिटी से सुनने लगते कि यार ये तो एक बिल्कुल नया विषय है, पत्रकार में जाओ, प्रेस में आर्टिकल लिखो, न्यूज हमारे प्रेस मीडिया में आना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पेज पर 5-6 कॉलम में लिया है ऐसी हमारी आइटम को, इट मींस के दे हैव नोन, दे हैव कम टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ डंग एंड दिस मूवमेंट। हम सबको इस मूवमेंट में अच्छे लोगों को जोड़ते जाना है, यही बात के साथ
मैं और दूसरा भी मुझे वेबिनार है इसलिए वैसे भी जाना है, लेकिन हमारी टीम को बढ़ाते जाओ, नाम ऐड करते जाओ, पुलिस से संपर्क में रहो और जितने भी इसमें ऐड हो जाए, और मैं तो कहूँगा कि या तो आंध्र तेलंगाना का एक ग्रुप कर दो पुलिस, जरा आने वाले दिनों में आंध्र तेलंगाना का एक ग्रुप करके और उसमें नाम ऐड करते करते एक स्टेट लेवल की ऐसी एक बहुत ऐसी एक चुनिंदा टीम होनी चाहिए कि वो टीम पूरा काम संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे गोमातरम, ओम सुरभ्ये नमः, वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम। तो इसी के साथ हम उस आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। हमारी परंपरा ये है कि हम शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं, और जैसे शांति मंत्र खत्म होता है आप सभी लोग अपने आप को लीव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गौ माता की जय, वंदे गौ माता, गौ माता की वंदे, गौ माता। अब हम लोग अपनी बातें ग्रुप में करते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और लोगों को उसमें ही जोड़ते रहेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे। टिल देन आप सभी अपने आप को जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, शेखर रेड्डी जी सर, थैंक यू सर जी, यस बढ़िया टीम, बढ़िया टीम बनाइए और बड़े संतों को भी जोड़िए। जी 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 नमस्कार वल्लभ जी, यस।